अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, वो मगफिरत की रात, वो सबे कदर की रात, बाबरकत वाली रात आने वाली है। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, उस रात में आप कौन सा अमल करें जिससे आपके गुनाह की बख्शिश की जाए। तो मगरिब और असर असर के दौरान करीबन 20 मिनट 25 मिनट पहले आप बावजू हो जाए। उसके बाद 100 मरतबा जो नमाज में पढ़ी जाती है दुरूद शरीफ पढ़े। उसके बाद 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़े। इस अमल को करने से आपके 80 साल की गुनाह की बख्शीश कर दी जाएगी। और उस रात में आप ईशा की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाए, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और अपने आल औलाद मगफिरत के लिए, तमाम अल मुस्लिमान के लिए दुआ करें। और कब्रिस्तान में जाए, तमाम मरहूमा के लिए दुआ करें। और उसके बाद मस्जिद जाए और नफिल नमाज जितनी हो सके कसरत से पढ़े। और कजा उमरी की नमाज भी आप कोशिश करें सबसे पहले अदा करें। उसके बाद कुरान की तिलावत करें, सूरह यासीन पढ़े, जितनी भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें। उसके बाद उस रात सहरी करें, दो रात है, 14वीं और 15वीं रात भी रोज़े रख सकते हैं। तो जितना हो सके आप कोशिश करें कि नेकी अमाल में, अपनी नाम अमाल में नेकी को ज़्यादा से ज़्यादा भर सके। तो उस रात सहरी करें, अगले दिन रोज़े भी रखें, पाँचों टाइम के नमाज पाबंदी के साथ अदा करें। और कोशिश रहे कि जितनी भी हम सब के दिन रात में जो भी हमसे खता गुनाह हो चुकी है, तमाम के लिए आप उस रात में रोएं, रब की बारगाह में रोएं, आंसू के साथ रोएं, क्योंकि उस रात एक एक की आंसू की कीमत बहुत ही कीमती है। तो आप तन्हा में हो, कहीं भी हो, मस्जिद में हो, कब्रिस्तान में हो, यहीं भी जाकर आंसू के कतरे से रोएं, दिल के गहराइयों से रोएं, अपने गुनाह को याद करते हुए। पता नहीं कहाँ भी खता गुनाह हो चुके हैं, आप ही बेहतर जाने, अल्लाह बेहतर जाने। तो आप कोशिश रहें कि जितना हो सके नेकी अमाल करें उस रात में, और सदका खैरात भी करें। इंशाल्लाह इन सब नेकियों से आपकी मानना में अमाल में नेकियां लिखी जाएगी। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक के लिए, इस रात के लिए। तुम्हें अलीमसलात को सबे कदर मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।